कल हम लोग अहमदाबाद में थे, जलसा किए। आज दोपहर को अहमदाबाद से मैं ओवैसी साहब, साबिर कावलीवाला साहब, माजिद हुसैन साहब, हम सब, हमारी पूरी टीम गुजरात अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ के सूरत के लिए रवाना हुई। कौन सी ट्रेन पकड़े? वंदे भारत एक्सप्रेस। अरे मोदी जी, ये क्या हो रहा है? कभी वंदे भारत के सामने जानवर आ जाते हैं, और सुनिए, आज सूरत पहुंचने को 22 से 25 किलोमीटर बाकी था, क्योंकि वो वंदे भारत में स्क्रीन लगाया हुआ है, उसमें दिखता है कितना किलोमीटर बाकी है, कब सूरत में पहुंचने वाली है ट्रेन। हम सब बैठकर देख रहे थे। इतने में धार से पत्थर आकर गिरता है ट्रेन के कांच के ऊपर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, साबिर काबुलीवाला साहब उनके पीछे है, मैं साइड में, वहां पर एक कांच आता है और ट्रेन का कांच क्रैक कर देता है पूरी तरह से। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं मीडिया वाले के पास, मेरे पास मोबाइल में फोटो सब पड़े हुए हैं। इतना भारी पत्थर कि वो कांच के पूरा क्रैक हो गया। फिर एक दूसरा पत्थर आया, मतलब एक मिनट भी नहीं हुआ होगा, 10-15 सेकेंड में किसी ने दो पत्थर लगातार उठा के मार। ओवैसी साहब ट्रेवल कर रहे हैं ना। अरे तुम पत्थर मार लो मोदी जी, तुम आग बरसा दो मोदी जी, लेकिन ये हक की आवाज ना कभी रुकी है, ना रुकेगी, ना इंशाल्लाह ताला कभी रुकेगी। आयम हवा में बात नहीं करता वारिस पठान।